रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सबकी भावनाएं उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी तो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में आज जो परिवर्तन आप सबको दिखाई दे रहा है, ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मार्गदर्शन है। आप सबका जो भाव है, उन भावनाओं के अभिव्यक्ति का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि हिमाचल प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन सरकार ने जो भी कार्य किया है, हिमाचल प्रदेश में तो आप देख ही रहे होंगे, वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज से 8-8.5 वर्ष से पहले भारत दुनिया के अंदर एक पिछड़ों को राष्ट्र कहा जाता था, दूसरे का अनुसरण करने वाला, और दुनिया के छोटे बड़े देश भारत को हुक्म जमाते थे, आंखें दिखाते थे। विगत 8-8.5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ परिवर्तन वैश्विक मंच पर भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत नेतृत्वकर्ता है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें भारत के बगैर उस समस्या का समाधान का कोई बारे में सोच भी सके। हर मामले में भारत का हस्तक्षेप और भारत का नेतृत्व आज अपरिहार्य हो चुका है। ये भारत की यशस्वी नेतृत्व को प्रदर्शित करता है, और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, योग को वैश्विक मान्यता मिलना, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये वर्तमान भारत की एक और वैश्विक मंच पर जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने देश को आजाद होते हुए तो नहीं देखा होगा, और उस समय भले ही कांग्रेस का नेतृत्व हर घर में तिरंगा लगाने में विफल रहा हो, लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर पर आन मान शान का प्रतीक तिरंगा जरूर पहना दिया। पहले दुनिया के तमाम देश भारत को आंखें दिखाते थे, आज भारत की सीमा सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश के रण बांकुरे भारत की सीमाओं पर जब लड़ते हैं दुश्मन के छटके छुड़ा देते हैं। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक की घटना, ये सभी भारत के शौर्य पराक्रम की एक नई कहानी कहते हैं। और मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर सम्मान का मामला हो, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान हो, भारत के विरासत को पुनर्स्थापना का कार्य हो, भारत की बाह्य आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का कार्य हो, या कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व नहीं मिल पाया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की सरकार होती और दुर्भाग्य से कोरोना आ गया होता तो क्या फ्री में टेस्ट हो पाता, क्या फ्री में उपचार हो पाता, क्या एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।